देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ विजय ऑन 31 मार्च 2020। आपको बैलेंसेज दिए गए हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, राइट ऑफ करें 1800 रुपए के बैड डेट्स, मेंटेन करें प्रोविजन 5% का, मशीनरी पे डिप्शन लगाएं 10% का, और बेटे एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है 7000 रुपए। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बेटे। सबसे पहले कैपिटल है 2,45,000 रुपए। बैलेंस शीट में कैपिटल लिखेंगे 2,45,000। ड्रॉइंग्स हैं 20,000। दो लाख 25,000 जनरल एक्सपेंस है बेटे 47,400 रुपए। तो जनरल एक्सपेंस 47,400। बिल्डिंग है बेटे 1,10,000 की। बेटे बिल्डिंग के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, सीधा आउटर कॉलम में लिख दें 1,10,000। मशीनरी है आपके पास 93,400 माइनस डेप्रिसिएशन 9,340 10%। 93,400 माइनस 9,340 आउटर कॉलम में आ गया 84060। आप यहां लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 9,340। ओपनिंग स्टॉक 1,62,000। ओपनिंग स्टॉक 1,62,000। इंश्योरेंस है बेटे 13,150 की। इंश्योरेंस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई है, तो इंश्योरेंस 13,150। वेजेस है 72,000 के। वेजेस के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई है, टू वेजेस 72,000। डेटर्स हैं बेटे 62,800। डेटर्स हैं बेटे आपके पास 62,800। वहां से माइनस किया हमने बैड डेट्स 1,800। एडजस्टमेंट में दिया हुआ बेटे ये आ गया 61,000। यहां से माइनस किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%, 3,050 आउटर कॉलम में आ गया 57,950। यहां पे लिखो बेटे टू बैड डेब्ट्स
1800 to provision for doubtful debts 3050, क्रेडिटर्स हैं बेटे आपके पास 25,000 के, क्रेडिटर्स हैं आपके पास 25,000, क्रेडिटर्स के बाद बेटे बैड डेट्स दे रखे हैं 5,500, बैड डेट 5,500, ये आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। डेटर्स में से जो माइनस होगा वो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। लोन आपको दिया हुआ है 78,800 का, लोन आपको दिया हुआ है 78,800 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 7,000, 85,800, ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 7,000 का। बेटे यहां पे लिखो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आगे चलो बेटे। सेल से हमारे पास 6,53,600 की बाय सेल्स 6,53,600 परचेजेस हैं बेटे 4,70,000 के, मोटर कार है हमारे पास 20,000 की, मोटर कार है 20,000 की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 9,000 दिया हुआ है ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में। आपने हमेशा क्रेडिट साइड लिखना है, हमेशा जो ट्रायल बैलेंस में होगा उसको आप क्रेडिट साइड लिखें हमेशा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 9,000 बाय कमीशन, कमीशन क्रेडिट साइड दिया आपको 13,200, कार एक्सपेंस डेबिट साइड आएगा, कार एक्सपेंसेस 18,000, बिल्स पेबल 38,500, बिल्स पेबल 38,500, कैश 800, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 33,000, चैरिटी 1,050, क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000 बेटे। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में भी आएगा, दो लाख तीस हजार बेटे। ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओ, टोटल करो ट्रेडिंग अकाउंट का 8,83,600,
8,83,600 to gross profit. 1,79,600 balancing figure. ये यहां से यहां आ जाएगा. बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,79,600 बेटे इधर टोटल करेंगे 1,79,600 प्लस 9,000 प्लस 13,200 201,800 201,800 यहां निकालेंगे बेटे नेट प्रॉफिट 2,5,000 कर देंगे सारी वैल्यूज को. ये आएगा बेटे 95,500. आप वो यहां प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट 95,510 225,000 प्लस 95,510 320,510 आप बेटे बैलेंस शीट का टोटल करेंगे 5,02,810 जल्दी नोट करें 5,02,810 बेटे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे एक बार. क्वेश्चन नंबर 10 ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट डेटर्स 3,20,000 बेटे डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट भी दी गई है. डेटर्स 3,20,000 माइनस बैड डेट्स 4,000 3,16,000 बेटे इसके ऊपर प्रोविजन बनाना है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% 15,800 आउटर कॉलम 3,02,000 प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेब्ट्स 4,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स
15,800, कैश इन हैंड 350, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी 1,75,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10% 17,500, 1,57,500 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 17,500, क्रेडिटर्स 1,06,500, क्रेडिटर्स 1,06,500, जनरल एक्सपेंस 10,750, तो जनरल एक्सपेंस 10,750, सेल्स 13,45,000 बाय सेल्स 13,45,000, सैलरीज 22,250, सैलरीज 22,250, कैरेज आउटवर्ड 4,000, कैरेज आउटवर्ड 4,000, रेंट 4,000। रेंट के ऊपर आपको एडजस्टमेंट दी गई है, आउटस्टैंडिंग रेंट है बेटे, आउटस्टैंडिंग रेंट है 850, 9,850, आउटस्टैंडिंग रेंट 850, बिल्स पेबल 75,000, परचेजेस 75,000, बेटे परचेजेस, टू परचेजेस 11,88,700, डिस्काउंट 11,000, टू डिस्काउंट 11,000, प्रीमिसेस 3,45,000, प्रीमिसेस 3,45,000 माइनस डेप्रिसिएशन 2%, 6,900, 3,38,100, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस 6,900, कैपिटल है आपके पास 7,95,000, कैपिटल है 7,95,000, जनरल एक्सपेंस के ऊपर भी एडजस्टमेंट थी बेटे, एक मिनट, ये जनरल एक्सपेंस के ऊपर ना एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग की, एक बार इसको ठीक कर लेते हैं, यहां लिखता हूं टू जनरल एक्सपेंस 10,750 प्लस आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस
1500, आउटर कॉलम आ गया 12,250, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस 1500, रेंट का हो गया, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस हो गया, बैड डेब्ट्स हो गए, प्रोविजन हो गया, डेप्शन हो गया, लास्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट लिखेंगे बच्चे, फिफ्थ एडजस्टमेंट पे इंपॉर्टेंट लिखेंगे, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट, आफ्टरवर्ड को अंडरलाइन करो, आफ्टरवर्ड को अंडरलाइन करो, आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, आफ्टरवर्ड को अंडरलाइन करो बेटे, मैनेजर कमीशन के ऊपर आपको दो केस दिए जा सकते हैं, या तो ऐसे लिखा होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या बेटे ऐसे लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन रेट आपको दे रखा हो, अगर बिफोर वर्ड लिखा है, अगर बिफोर वर्ड लिखा है तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100, अगर आफ्टर वर्ड लिखा है, अगर आफ्टर वर्ड लिखा है तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, अगर बिफोर वर्ड लिखा है तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, अगर आफ्टर वर्ड लिखा है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। जैसे यहां 5% अगर होगा तो 5/105, 10% होगा तो 10/110, बस आपको इस वाले वर्ड को देखना है कि आफ्टर लिखा है कि बिफोर लिखा है, अगर बिफोर वर्ड है तो सीधा 5%, सीधा 10%, जो रेट दे रखा होगा सीधा 15%, लेकिन अगर आफ्टर वर्ड है तो नीचे आपको 100 में प्लस करना पड़ेगा। बेटे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पे आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, वहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 124,500, यहाँ पे टोटल करो 14,69,500, बेटे ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा था आपको 2,20,000, टोटल आया 14,69,500, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 60,800, यहां ले आओ बेटे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 60,800। बेटे क्वेश्चन को देखने से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 1,03,550, तो यहां पे नेट लॉस आ जाएगा बाय नेट लॉस 42,750। बेटे जहां पे नेट लॉस आ गया वहां पे आपको अब कमीशन नहीं देनी मैनेजर को, प्रॉफिट होता तो कमीशन देते, वहां लिखा हुआ ना 5% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट लॉस पे थोड़ी कमीशन लिखा है, यानी यहां पर मैनेजर को कमीशन नहीं दी जाएगी क्योंकि आपको तो लॉस हो गया है,
आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको लॉस हो गया है, तो यहाँ पे मैनेजर को कमीशन नहीं दी जाएगी। यहां से नेट लॉस माइनस कर दो 42,750, 7,52,250, 9,36,100, 9,36,100। जल्दी नोट करेंगे बच्चे। बेटे यहां पे लॉस आया है इसलिए आपने कमीशन नहीं दी है, अगर प्रॉफिट आता तो मैं कमीशन देता, लॉस आ गया तो मैं इसलिए कमीशन नहीं दूंगा। ठीक है बेटे, धन्यवाद बेटे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। पहले फॉर्मेट बना लो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सबसे पहले देखो आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ 50,000 बैलेंस शीट में आ जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 बेटे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हुआ 3,000 आपको लिखो ना। फर्स्ट पॉइंट के अंदर दिया हुआ डिफरेंट 6%, तो डेप्रिसिएशन अगर हम निकालेंगे 6% तो कितना निकल कर आएगा, 3,000। आउटर कॉलम में कितना आ गया, 47,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 3,000। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ बेटा परचेजेस, इंपॉर्टेंट लिखो उसके आगे एडजस्टेड वर्ड लिखा हुआ, यानी अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अगर आप परचेजेस के आगे एडजस्टेड वर्ड लिखा है बेटे तो आपने अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को नहीं लिखना। जब यहाँ पे वर्ड एडजस्टेड दिया होता है तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करते हैं हम, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक बेटे इसको इग्नोर कर देंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। परचेजेस आ गया 2,07,500, ओपनिंग स्टॉक यहां पे नहीं लेना। वेजेस लिखा हुआ 45,300 टू वेजेस 45,300
सैलरीज आपको लिखा हुआ 39,000 और सैलरीज पे एडजस्टमेंट भी है बेटे, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट दी है 11,500 की, तो टू सैलरीज 39,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500, 50,500 सैलरीज के बाद देखो बेटे, ऑफिस एक्सपेंस दिए आपको 15,400 के, ऑफिस एक्सपेंस 15,400, कैरेज इनवर्ट दिया हुआ बेटे 1,200 रुपए का, तो टू कैरेज इनवर्ट ट्वेल्व हंड्रेड, कैरेज इनवर्ट 1,200 दिया हुआ आपको। आगे देखो बेटे, कैरेज आउटवर्ड आपको दिया हुआ 2,000 का, कैरेज आउटवर्ड 2,000, डिस्काउंट अलाउड 750, टू डिस्काउंट अलाउड 750, डिस्काउंट रिसीव आपको दिया हुआ 1,200, तो बाय डिस्काउंट रिसीव 1,200, बैड डेब्ट आपको दिए हुए 1,200 के, टू बैड डेब्ट 1,200,
बैड डेट्स आपको दिए हुए क्वेश्चन के अंदर 1200 सेल्स आपको दिए हुए 383,500 बाय सेल्स थ्री लैख 83,500 कैपिटल अकाउंट आपको दिया हुआ है 1,15,000 कैपिटल दिया हुआ है 1,15,000 आगे चलो चटर्जी का लोन अकाउंट है आपके पास 25,000 रुपए का आपने चटर्जी से लोन लिया हुआ है चटर्जी का लोन अकाउंट है 25,000 रुपए का इस पर एडजस्टमेंट दी हुई बेटे इस पर एडजस्टमेंट दी हुई आपको नीचे लिखा हुआ है 18% का इंटरेस्ट आपको देना है जो आपने लोन लिया है अक्टूबर के अंदर और बेटे पूरे ट्रायल बैलेंस में ना कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आपने इंटरेस्ट पे किया है पूरे क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस जो गिवन है वह कहीं नहीं लिखा कि आपने इंटरेस्ट पे किया है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना है बेटे तो आप यहाँ पे प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 25,000 का 18% 6 महीने के लिए 2,250 आउटर कॉलम में आ जाएगा 27,250 और बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा डेबिट से टू इंटरेस्ट ऑन चटर्जी लोन 2,250 इंश्योरेंस है बेटे आपके पास 1,500 रुपीज की डेबिट साइड लिखेंगे तो इंश्योरेंस 1,500 और इंश्योरेंस के अंदर बेटे लिखा हुआ इंश्योरेंस इंक्लूड ₹250 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 250 आउटर कॉलम 1,250 एसेट्स में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 250 आगे चलिए बेटे कमीशन आपको क्रेडिट साइड दिया हुआ 1,500 तो कमीशन रिसीव्ड है आपके लिए बाय कमीशन रिसीव्ड 1,500 प्लांटेड मशीनरी 50,000 है उस पर डेप्रिशन दिया हुआ 10% है प्लांटेड मशीनरी 50,000 प्लांटेड मशीनरी 50,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10% 5,000 तो आउटर कॉलम के अंदर आ गया 45,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5,000 फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 20,000 दिया हुआ है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 20,000 माइनस डेप्रिसिएशन 15% 3,000 आउटर कॉलम में आ गया 17,000 टू डेप्रिसिएशन ऑन
furniture and fixtures. तो बेटे प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्शन हो गया 5,000, फर्नीचर फिक्सचर्स पर हो गया 3,000। आगे चलते हैं, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होती हैं, बिल्स रिसीवेबल्स एसेट्स होती हैं आपके पास 20,000। डेटर्स आपके पास 40,000 रुपए के, इनर कॉलम में लिखो बेटे 40,000 रुपए के डेटर्स हैं, उसके ऊपर प्रोविजन लगाओ 2% का, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2%, 4,000 का 2% 800 रुपए। आउटर कॉलम में आ गया 39,200। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 800 रुपए। क्रेडिटर्स है आपके पास 25,000 रुपए के, क्रेडिटर्स पच्चीस हजार रुपए के, कैश एंड बैंक 16,000, ऑफिस इक्विपमेंट 12,000, ऑफिस इक्विपमेंट 12,000 माइनस डेप्रिसिएशन 20%, 2,400 रुपए, 20,000 माइनस 2,400 9,600 टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 2,400 रुपए। बिल्स पेबल आपको दिया है 12,350, लाइबिलिटी होती है, बिल्स पेबल 12,350। एक्सपेंसेस पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बेटे आपके लिए, एक्सपेंसेस पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपके लिए 3,300। क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि वहां पे परचेजेस को एडजस्टेड लिखा हुआ है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा 45,000। अब एक बार ट्रेडिंग अकाउंट पे आओ, बाय सेल्स क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एडजस्टेड वर्ड लिखा हुआ है, टू परचेजेस टू वेजेस टू कैरेज इन वर्ड, यहाँ पे टोटल करो बेटे, यहाँ पे टोटल किया 383,500, 383,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट, एक लाख 29,500। यहां पे आके बाइंग ग्रॉस प्रॉफिट 1,29,500, आप यहाँ पे टोटल करेंगे 1,29,500 1,200 1,500, 1,12,500,
32,200। अब यहाँ पे टोटल लिखेंगे 132,200, उसमें से माइनस करेंगे बेटे आप 6 है वो आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। पॉइंट नंबर सिक्स में कहता है 10% ऑफ द फाइनल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो आपको टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में से 132,200 में से ये सब माइनस करना शुरू करेंगे, 3,000, 50,500, 15,400, 2,000, 750, 1,200, 2,250, 1,250, 5,000, 3,000, 800, 1,400। बेटे यहां पे ना एक पॉइंट नंबर सिक्स से पहले पॉइंट नंबर फोर भी है, आपको वो भी समझना बहुत जरूरी है। अभी वहां पे लिखा हुआ है कि जो आपका प्रोप्राइटर है, उसको सैलरी प्रोवाइड करनी है, प्रोवाइड सैलरी टू शुभ ₹15,000 पर एनम। तो आपके लिए तो वो एक्सपेंस हो गया बेटे, तो आप यहां पर लिखेंगे टू सैलरी टू शुभ बेनर्जी। कितनी सैलरी है बेटे, 15,000 रुपए की सैलरी। जब आप अपनी क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस कर देंगे तो आपके पास पता है प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट कितना बच रहा है, आपके पास फाइनल प्रॉफिट बच रहा है 29,650। ये फाइनल प्रॉफिट बच रहा है। उसने कहा इसका 10% निकालो, 2,965, और इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो मैंने यहां पे लिखा टू जनरल रिजर्व, ब्रैकेट में लिखा ट्रांसफर 2,965। इसको ट्रांसफर करने के बाद मेरे पास यहां प्रॉफिट रह गया, नेट प्रॉफिट रह गया 29,650 माइनस 2,965 26,685। बेटे आप आ जाओ अपनी बैलेंस शीट पे, जो आपने उसको सैलरी प्लस करनी है, आपने उसको सैलरी देनी है 15,000 रुपए। एक बेटे आपने उसको नेट प्रॉफिट देना है 26,685। तो 26,685 प्लस 15,000 प्लस 115,000 156,685। एक बेटे आपकी ना आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, आप याद करो आपने सैलरी के अंदर प्लस किया था आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये रही बेटे 11,500 रुपये। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 11,500 रुपये की, वो आपने लाइबिलिटी में लिखनी थी। और अभी आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया 2,965। हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे,
अब बैलेंस शीट का टोटल करें बेटे, बैलेंस शीट का टोटल आएगा 2,39,050, 2,39,050। बैलेंस शीट का टोटल आ गया 2,39,050। जल्दी नोट करेंगे।